फ्रेंड्स, अब जबकि त्यौहार शुरू ही होने वाले हैं, एक तरह से देखा जाए तो सावन के सोमवार से ये शुरू भी हो चुके हैं, तो कुछ ऐसी ही रेसिपी मैंने सोचा कि कुछ ट्राई किया जाए जो कि सोमवार व्रत में भी सही हो और ये हमारी जो आने वाले त्यौहार हैं उनके लिए भी सही हो। तो त्यौहारों के साथ जैसा कि शुरू हो जाता है फिर मिलावटी मिठाइयाँ और खोए का दौर, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये बनाए हैं यूनिक से ये लौकी के लड्डू, लौकी की हलवा, लौकी की खीर, लौकी की सब्ज़ी, कोफ्ते, ये सब तो आपने खाए होंगे पर ये श्योर है कि आपने लड्डू नहीं खाए होंगे। और इसे मैंने पहली बार ट्राई किया और ये इतने परफेक्टली, इतने डिलीशियस बने कि घर में सभी को बहुत पसंद आए, तो मैंने सोचा कि आपसे इसकी रेसिपी शेयर करनी बनती है। और हाँ, इसकी स्पेशलिटी ये भी है कि ये लड्डू जो है वो सिर्फ तीन चीज़ों से बनी है, दूध, लौकी और शक्कर। तो इसमें और चीज़ें, बाकी चीज़ें आप अपने मन से ऐड कर सकते हैं पर मैंने ये तीन चीज़ों से ही बनाई है, जो कि बहुत ज़्यादा ये डिलीशियस तैयार हुए हैं लड्डू। तो रेसिपी पे आगे बढ़ें उससे पहले, अगर आप मुझे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, मैंने सॉफ्ट सी लौकी ली है, ये देखें नाखून ऐसे अंदर करने पे इसमें से इसका लिक्विड आ रहा है बाहर, तो ये मतलब है कि हमारा लौकी सॉफ्ट है, ताज़ा है। तो लौकी को मैंने छील के, धुल के और छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं और उसको बाहर बाहर से हमें घिस के लेना है, अंदर का जो बीज है और इसका पल्प है उसे हमें छोड़ देना है, बस बाहर बाहर से इस तरह से। आप देख सकते हैं अंदर का छोड़ के मैंने बाहर बाहर से इसका जो ग्रीन पार्ट होता है वही ले लिया बस, और बीज के पार्ट को आप सब्जी में, सूप में या फिर दाल में डाल के यूज़ कर लें। तो इस तरह से सारे लौकी को कद्दूकस करके मैंने ले लिया है इस तरह से, ये देखें। इसमें बीज अगर हो तो निकाल दें, एक दो बीज अगर रहे तो निकाल दें। और अभी क्या करते हैं, एक पैन में आपने देखा मैंने घी बिल्कुल भी नहीं लिया है अभी भी, और घिसी लौकी को, सारी लौकी को लेके मैंने पैन में ले लिया है और इसको हमें पूरा इस तरह से चलाते हुए ड्राई कर लेना है, सुखा लेना है। ये पहले सॉफ्ट होगा तो पानी छोड़ेगा, फिर ये ड्राई हो जाएगा। तो अभी शक्कर भी मैंने नहीं डाली है, ये देखें एक आध बीज रह गए हैं तो उसे निकाल दें। ये देखें छोटे छोटे से सॉफ्ट भी रहते हैं तो भी इसे निकाल दें आप, ये देखें। तो चलाते हुए इस तरह से हमें इसको मुलायम करना। और दूसरी साइड क्या करते हैं, ये दूध मैंने लिया है, तो लौकी जो है वो 1.5 किलो के करीब है, तो इसमें मैंने ये 1.5 लीटर दूध रखा है। दूध बहुत ज़्यादा नहीं लिया है मैंने, लौकी के हिसाब से ये कम ही है, तो यहाँ पे दूध की मात्रा आप और भी ले सकते हैं। मैंने 1.5 लीटर लिया है 1.5 किलो लौकी में, और ये देखें लौकी भी कुछ इस तरह से हो गई है। तो थोड़ी देर और हमें सुखाना पड़ेगा इस तरह से चलाते हुए। तो फ्रेंड्स, आपके पास अगर खोआ है, मावा है, तो आप इसमें दूध गाढ़ा ना करके आप उसे खोआ या मावा को इसमें डाल के इसे बना सकते हैं। और यहाँ पे इसका कोई प्रॉपर रेशियो नहीं है, आप 1 किलो लौकी में 200 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक मावा इसमें यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा बढ़ा के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दूध गाढ़ा होने लगा है इस तरह से कुछ, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इस समय जो नकली मिठाइयों का दौर, नकली मावा या खोए का दौर चल रहा है, उसमें ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसे राखी पे अपने भाइयों के लिए भी इसे तैयार करके बना के खिला सकते हैं घर पे। ये देखिए एक छोटी दाल वाली कटोरी है, उससे मैंने ये शक्कर डाली है। आगे अगर थोड़ा और हमें चाहिएगा तो हम डालेंगे। तो ये मैंने थोड़ी सी अभी तो बचा ली है, बाद में इसे भी यूज़ कर लेंगे हम। तो यहाँ पे शक्कर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, जितना मीठा खाना हो उस हिसाब से रखें, कम खाना हो तो कम कर लें। तो इस तरह से चला लें, ये देखें धीरे धीरे ये शक्कर जो है वो पिघलेगी, इसमें फिर से वापस ये मॉइस्चर आएगा और जो है लौकी पे, लौकी के सारे लच्छों पे एक ग्लेज सा आ जाएगा, शाइनिंग आ जाएगी पकते पकते। तो ये देखें इस तरह से मॉइस्चर इसमें से रिलीज़ हुआ है इसका, एक तरह से ये चाशनी है। इसके साथ अभी लौकी जब पकेगी तो उसके ऊपर एक ग्लेज सा, एक चमक सी आ जाएगी, तो बाद में जो हमेशा वो पूरे टाइम लड्डू बनने के बाद भी रहेगी। तो ये देखें यहाँ पे इलायची पाउडर भी मैंने डाल दिया, और यहाँ पे पकने के बाद ये लौकी का कलर जो है वो डल सा हो गया है, ग्रीन नहीं आ रहा है प्रॉपर, और मुझे अभी वीडियो के लिए दिखाना है, तो इसमें मैंने एक ड्रॉप, ये जेल फूड कलर है, एक छोटा सा ड्रॉप मैंने डाला है इसे।
अदरवाइज मैं अगर वीडियो के लिए नहीं इसे शूट करना होता, वीडियो नहीं बनाना होता, तो मैं इसे नहीं यूज़ करती और आपको भी नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप इसे यूज़ करें, क्योंकि मुझे पिक्चर बनाना है, वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैंने किया। और ये गाढ़ा किया हुआ दूध जो रबड़ी की तरह से हो गया है उसे मैंने मिक्स कर लिया इसमें कुछ इस तरह से। और ये है कटे हुए नट्स, मैंने इसमें काजू बादाम और अखरोट है, आप और भी अपने पसंद के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, जो नहीं पसंद है उसे स्किप करें। और ये है केवड़ा एसेंस, तो आप सिर्फ इलायची पाउडर डालें तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये सारे ऑप्शनल हैं, केवड़ा एसेंस, कलर या फिर नट्स, ये सारे ही ऑप्शनल हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 2 टेबल स्पून घी डाला है, क्योंकि मुझे अब यहाँ से भूनना है इसे, तो भुनाई अच्छे से होनी चाहिए, तो सिर्फ 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला है। और यहाँ पे आप चाहें तो कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट आप डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, पर मैंने ये सब कुछ भी नहीं डाला है। और ये देखें इस तरह से हमें चाहिए कुछ, तो ये भून चुके, ये हो गया है, और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और ये सूखेगा। ये देखें कुछ इस तरह से हो गया है ठंडा होके, तो इसको अभी क्या करते हैं, हाथों में थोड़ा सा घी लगा के और इसे लड्डू बना लेते हैं। तो साइज़ जो है अपने हिसाब से रखें, इसके रोल बनाएं या लड्डू बनाएं। और ये कुछ महीन कटे हुए नट्स हैं, और ये देसी गुलाब जो होता है मेरे लॉन में है, उससे मैंने पतले पतले उसके शेड निकाल लिए हैं। ये देखें इसको ऊपर डाल दिया। अगर आपको थोड़े दिन रखना है, हफ्ते भर ये टिक सकता है फ्रिज में, तो आप ये गुलाब जो है वो ना डालें। ये देखें कुछ इस तरह से नट्स, और ये गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं उनसे पतले पतले मैंने इस तरह से उसके शेड निकाल दिए हैं। तो ये तैयार है हमारी ये लौकी के लड्डू। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में ये शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल पे इस तरह से घर की बनी हुई, घर की चीज़ों से बनी हुई, बिना मावा के, बिना खोया के, बहुत सारी इस तरह से स्वीट की रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, तो एक बार जाके प्लेलिस्ट से ज़रूर चेक करिएगा। कुछ ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, जैसे इस समय सावन चल रहा है तो घेवर की रेसिपी है, घर पर बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, तो वो भी आप जाके वहाँ से एक बार चेक करिए। तो बहुत ही आसान आसान से लड्डू, बर्फ़ी, ये सारे रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं चैनल पे, तो आप एक बार जाके चेक करिए उसे। ट्रेडिशनल रेसिपीज़ भी हैं, मोदक की रेसिपीज़ हैं, एक बार जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए। और इस तरह से आसान आसान सी घर पे, घर की चीज़ों से बनी हुई रेसिपीज़, मिठाई की और बहुत सारी रेसिपीज़ इस तरह से आने वाली हैं बैक टू बैक, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, जल्दी पहुँचे। तो फिर देखते रहें ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। बाय।